My name is Samina Farooqi. I'm an audiologist. I have done my graduation in audiology from Qaid-e-Azam Medical College. Then I have done my post-graduation from Isra University, Islamabad. Currently, I am working as an audiologist in Lahore General Hospital, Lahore. And now I have started working in Iqra Medical Complex as well. Basically, audiologist is a healthcare professional who is specialized in identifying, diagnosing, treating, and managing the problem that are related to the auditory system. Basically, हम वो ऐसे patients जिनको problems होते हैं सुनाई के मुतालिक या उसके साथ उनको कानों से शोर आना, आवाज़ें आना उनको हम पहले देखते हैं, उनके टेस्ट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं और फिर उनके मैनेजमेंट हम उनको बताते हैं. The main causes of the hearing problem, damage to the inner ear, which is due to the aging process or exposure to the loud noise. It can also include gradually increasing of the ear wax. Thirdly, it includes the ear infections, abnormal bone growth and tumors. It can also include the rupture of the tympanic membrane, or which is normally we call the eardrum. Hearing problem ko identify kaise kiya ja sakta hai? Sabse pehle to ye aapko mehsoos hota hai ki muffling speech hai. Aapko baat ka clearly samajh na aana. Secondly, aapko background noise jahan par shor zyada ho वहाँ पर बात का सुनाई ना देना या उसको बार बार दोहराने के लिए कहना. बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट एक हैबिट बना लेता है कि बात को आहिस्ता किया जाए, क्लियरली बताया जाए, उसको रिपीट करवाता है बार बार. जो हम कॉमनली देखते हैं घरों में जो अपने पेरेंट्स को लाते हैं या जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम होता है जी, ये कि हमारे लेवल से ऊंचे लेवल पर जो है वॉल्यूम पर ये लोग टीवी की आवाज़ कर देते हैं, रेडियो को ऊंचा सुनना. समटाइम्स ऐसे हमने पेशेंट देखे हैं जो कि अपने आप को सोसाइटी से सोशली विथड्रॉल की तरफ ले आते हैं क्योंकि उनको जब बात की समझ नहीं आती तो ख़ुद को कट ऑफ कर देते हैं. अगर आपको इस किस्म के कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं जिसमें आपको बात की समझ नहीं आ रही, सुनाई का ना देना, और इसके साथ साथ अगर आपको कान में किसी किस्म का भी इन्फेक्शन भी है उससे भी जो है सुनाई के मसले पैदा होते हैं, इन सब के हल के लिए आपको अपना सबसे पहले तो हेयरिंग टेस्ट करवाना चाहिए. यहाँ पर जो हम बेसिकली हेयरिंग टेस्ट करते हैं, एक उसमें प्योर टून ऑडियोमेट्री टेस्ट आता है जिसमें हम आपका बेसिक थ्रेशोल्ड से डेविएशन चेक करते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन जितना सुनता है आप उससे कितना डेविएट कर रहे हैं और वो किस किस्म का प्रॉब्लम है. इधर उसमें आपकी मेडिकेशन चलेगी या आपको हेयरिंग से रिलेटेड हम कोई डिवाइस एडवाइस करेंगे. इनके लिए आपका सबसे पहले प्योर टून ऑडियोमेट्री की जाती है, और अगर मसला कान के दरमियानी हिस्से का हो तो उसमें हम टिम्पेनोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करते हैं. अभी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन मरहम के प्लेटफॉर्म पर आएं, हमसे अपॉइंटमेंट लें या आप हमसे ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं. हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं आपको आंसर करने के लिए और आपकी अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए. थैंक यू.